विश्व में विभिन्न देशों के बीच चल रहे युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और अलग अलग देशों के बीच आए दिन तनाव और संभावित युद्ध की खबरें आती जा रही हैं। दुनिया भर में माहौल अस्थिर बना हुआ है और देश अपनी सुरक्षा के मद्देनजर युद्ध की तैयारियों से जुड़े नए साझा कार्यक्रम और हथियारों के परीक्षण कर रहे हैं और एक दूसरे को धमकी और चेतावनी दे रहे हैं। सहयोगी देशों की सीमा मजबूत करने के लिए वहां अपने हथियार तैनात कर रहे हैं। अब उत्तर कोरिया ने रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का परीक्षण किया। उसके परीक्षण से दक्षिण कोरिया को खतरा पैदा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए 240 mm के नए गोलों की टेस्टिंग का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि किम ने पुष्टि की कि नई तकनीक के साथ 240 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कोरियाई पीपल आर्मी के तोपखाने बल को मजबूत करने में रणनीतिक बदलाव लाएगा। गाइडेंस सिस्टम इस गोले की सीमा और सटीकता को और बेहतर करेगा, जिससे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल जैसे टारगेट पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ये उत्तर कोरिया के साथ सीमा से लगभग 30 मील की ही दूरी पर है। इससे पहले सोमवार को उत्तर कोरिया ने नकली परमाणु हथियारों से युक्त 600 mm सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों का उपयोग करके परमाणु काउंटर अटैक का आयोजन किया था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया इस सिस्टम को KN-25 के रूप में देखते हैं और इसे कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मानते हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि उत्तर कोरिया ने तोपखाने का परीक्षण रूस को गोलों की बिक्री की उम्मीद में किया है। दक्षिण कोरियाई जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के एक प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सोमवार का परीक्षण निर्यात के लिए सुपर साइज के गोलों का प्रदर्शन हो सकता है। इधर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उत्तर कोरिया पर ईंधन, कच्चे माल और टेक्नोलॉजी में सहायता के बदले यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को हथियार और गोला बारूद भेजने का आरोप लगाया है। उत्तर कोरिया और रूस इन आरोपों से इनकार करते हैं, लेकिन जनवरी में ही यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में उत्तर कोरियाई मिसाइलों के इस्तेमाल का डॉक्यूमेंटेशन किया गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में उत्तर कोरिया और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों पर भी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सटर्नल इकोनॉमिक रिलेशन मंत्री यू जोंग हो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने तेहरान के लिए उड़ान भरी है। पिछले हफ्ते सियोल में एक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि हम ईरानियों द्वारा रूसियों को हथियार उपलब्ध कराने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस भी उत्तर कोरिया को हथियार तैयार करने और रिसर्च क्षमता का विस्तार करने में मदद कर रहा है। अमेरिका उत्तर कोरिया, ईरान और रूस के बढ़ते संबंधों पर चिंता व्यक्त कर रहा है, लेकिन खुद यूक्रेन और इजराइल की मदद कर रहा है और अभी तक इनका युद्ध किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका है। यहां तक कि अमेरिका से मदद पाने वाले इजराइल ने गाजा में भयंकर आक्रामकता की है, नरसंहार किया, स्कूलों और अस्पतालों तक पर हमला किया, लेकिन अमेरिका उसको मदद देना जारी रखे हुए है।